हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम रिव्यू कर रहे हैं i20 एस्टा वेरिएंट को। एंड ये जो बेसिकली रिव्यू करा जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि एस्टा वेरिएंट में हुंडई ने काफ़ी सारे फीचर्स कटआउट कर दिए हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आगे आप देखें कि क्या क्या फ़ीचर्स आपके कटआउट इसमें हो गए हैं, ताकि आप एक फ्रंट का ओवरव्यू ले लें। दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED देखने के लिए मिल रहा है, प्रोजेक्टर हेलोजन मिल जाता है, आपका फॉग लैम्प एंड आपका DRLs यहीं पर देखने के लिए मिल जाती हैं, एंड नीचे इंडिकेटर बल्ब में देखने के लिए मिल जाता है। DRLs LED है ये, आपका पेट्रोल में ग्रिल जो आती है वो ऐसा आता है, और डीजल में थोड़ा चेंज ग्रिल आता है, तो वो भी एक आपको देखने के लिए डिफरेंस मिल जाता है, अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो है। तो बाकी आप देखें, बाकी सब कुछ सेम अभी तक जैसा आ रहा है वैसा ही देखने को मिल रहा है। नीचे जो अलॉयज है वही आपके 16 inches के अलॉयज देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है मेरे को ये डायमंड कट अलॉयज। एंड फ्रंट पर डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, नीचे आपको ये ब्लैक स्केटिंग देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है ये ब्लैक स्केटिंग। ORVM आप देख सकते हैं, ORVM पर ही हमारा इंडिकेटर माउंट है, एंड हमारा जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो ड्राइवर डोर पर माउंट देखने को मिल जाता है। ड्राइवर डोर पर आपको यहाँ पर जो डोर हैंडल है वो क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिल रहा है, क्रोम बीडिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड आपके ना सारे डोर हैंडल क्रोम में देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर आपको सनरूफ देखने के लिए मिल रहा है इस टाइम, एंड पीछे शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की साइड अगर आप देखें तो वाइपर का ऑप्शन, वॉशर का ऑप्शन एंड डीफॉगर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड नीचे भी देखें आप, क्रोम की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है टेल लाइट पे, एंड जेड शेप आपकी टेल लाइट देखने के लिए मिल रही है, वही जेड शेप जैसा आता है। i20 की बैजिंग आती है लाइट्स वगैरह में भी, एंड जो रिक्वेस्ट सेंसर है, दो रिक्वेस्ट सेंसर प्लस हमारा कैमरा, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कैमरा है भाई, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कैमरा आपको देखने के लिए मिल रहा है। बूट स्पेस यहाँ पर 311 liters का है, एंड काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बूट स्पेस मेरे को लगता है, मेरे को तो कभी इशू हुआ नहीं इस बूट स्पेस में। अरे भाई यहाँ भी बॉस है, यहाँ भी बोस दिया गया है आपको, आप देख सकते हैं बूट में, एंड बूट लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, तो काफ़ी सही बूट स्पेस देखने को मिलता है। एंड जो स्पेयर व्हील है वो 15 inches का देखने के लिए मिल जाता है। बाकी तो चलो चलते हैं एक बार अंदर, अंदर भी देख लेते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये कट ऑफ कर दिया है क्या, तो ये कट ऑफ नहीं हुआ है भाई, ये ऐसे ही आता है, तो यहाँ पर कुछ भी कट ऑफ नहीं है, ये सब कुछ वैसे ही आ रहा है। बाकी जो भी कट ऑफ है इंटीरियर में आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाता है वो कट ऑफ फीचर्स। चलते हैं इंटीरियर पर, फिर आपको वो इंटीरियर के कट ऑफ दिखाते हैं। सामने की साइड अगर आप देखोगे तो फुल्ली डिजिटल मीटर जैसा हमको मिलता था वैसी है, बट ये अभी लॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर शिपिंग मोड है, आप देख सकते हैं, तो ये अभी लॉक्ड है, तो इसमें क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं वो मैं अभी दिखा नहीं सकता, पर वैसे बता देता हूँ आपको, TPMS वगैरह इसमें सब देखने के लिए मिल जाता है आपको, एंड आपका RPM मीटर, आपकी सारी वार्निंग लाइट सामने की साइड देखने के लिए मिल रही हैं, आपका राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखोगे स्टीयरिंग पे तो यहाँ पर आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स प्लस आपके स्पीकर, आपके कॉल कंट्रोल्स, एंड राइट साइड पे आपका क्रूज़ कंट्रोल एंड आपका MID कंट्रोल वगैरह सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। राउंड स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है हमको, एंड जो है राउंड स्टीयरिंग काफ़ी सही देखने के लिए मिल रहा है, और ये ना पूरा लेदर स्टिच्ड है, काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियम लेदर स्टिच स्टीयरिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है, एंड जो स्टीयरिंग है दो फंक्शन के साथ आता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हो जाते हैं। नीचे आपको सारे आपके पेडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड कार में जो एक चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं होती है वो मैं बता देता हूँ, हिल असिस्ट वो इसमें आता है, एस्टा वेरियंट में आपको हिल असिस्ट देखने के लिए मिल जाता है। स्टार्ट स्टॉप बटन प्लस इसमें लाइट भी आती है, अगर आप देखें तो इसमें वाइट लाइट है, एंड एम्बिएंट लाइट अगर आप देखें तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइट लगा रखी है ब्लू कलर की, और ये काफ़ी सही लगती है यार अंधेरे में। ये देखो ये इधर भी है, ये ब्लू कलर की जो लाइटिंग है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम लगती है। नाइट में अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है, ये शायद अभी लॉक्ड है, मैंने अपना फ़ोन तो रखा था बट ये स्टार्ट नहीं हुआ है चार्जिंग, पता नहीं क्यों, बट इसमें भी आपको नीचे एक लाइट देखने के लिए मिल रही है, एंड आपके यहाँ पर फास्ट चार्जिंग स्लॉट वगैरह एंड 12 volt चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है। AC आपका यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक AC देखने के लिए मिल जाता है, एंड काफ़ी अच्छा कंट्रोल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप देखने को मिलता है। आपके AC वेंट्स आपको काफ़ी प्रीमियम जो इसमें i20 में देखने के लिए मिलते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आपको गेयर यहाँ पर मैं, ये हमारा पेट्रोल वेरिएंट है 1.2 liter, तो यहाँ पर आपको 5-speed गियर ट्रांसमिशन है मैनुअल में, एंड काफ़ी प्रीमियम गेयर लीवर हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, एंड ये ना ब्लैक मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पर करी गई है। मेरी जो 820 है उसमें यहाँ पर सिल्वर है बट यहाँ पर मैट ब्लैक है, एंड यहाँ पर आपको आपका
हैंड ब्रेक प्लस टू कप होल्डर, जिसमें एक में हमने अभी परफ्यूम रख दिया एंड अपने एक में कीज रख दी हैं। सीट्स आप देख सकते हैं, फैब्रिक सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसमें कोई भी सीट आपको लेदर स्टिच नहीं देखने के लिए मिल रही है, ये फैब्रिक सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड ग्लव बॉक्स मैं दिखा देता हूँ, ग्लव बॉक्स में एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स और काफ़ी ठीक ठाक स्पेसियस ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। 1 लीटर बॉटल स्पेस आपको पर डोर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो एम्बिएंट लाइट है वो भी आप देखें, सारे ही डोर्स पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये ब्लू एम्बिएंट लाइट ना काफ़ी सही लगती है रात में, देखें आप नीचे भी आगे तो काफ़ी सही लगती है ये। एंड इधर की साइड भी आपको देखने के लिए मिल रही होगी ये ब्लू एम्बिएंट लाइट, तो काफ़ी सही शॉर्टेज सा इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। आपकी जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट आपकी हाइट एडजस्टेबल प्लस आप अपना 8-way एडजस्टेबल सीट आती है। बेसिकली आप हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट एंड आगे भी कर सकते हैं, तो स्लाइड भी हो जाती है, टिल्ट भी हो जाती है, प्लस हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एंड एयरबैग की बात करें तो फ्रंट में तो एयरबैग आती है, इसके साइड में और एयरबैग इसके इसमें आते हैं सीट में, मे बी शायद इसमें इस वाले वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, इससे अपर वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मिस ये एस्टा है तो आपको एस्टा ऑप्शनल में वो देखने के लिए मिल जाएंगे। एक और अगर आप देखें ऊपर की साइड जो IRVM है हमारा, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है, ऑटोमेटिक IRVM इसमें देखने को अब नहीं मिल रहा है। आपने फर्स्ट अगर नोटिस करा हो तो आपको यहाँ पर अब जो आपका नाइट मोड था वो ऑटोमेटिक IRVM आता था, वो अब नहीं देखने को मिल रहा है, अभी आपको मैनुअल IRVM देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपका यहाँ पर पुश के साथ आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है, आपकी लाइट्स मिल जाते हैं, एंड मे बी शायद ये अभी क्योंकि की वगैरह रखा है तो इसलिए ऑन है। बाकी ऊपर आपका माइक एंड आपका ऊपर सनरूफ देखें एक बार, मतलब एक्सेसिबल है, किड्स तो कर ही सकते हैं, अडल्ट का थोड़ा सा इशू आ सकता है। और ये वन टच सनरूफ है, वन टच सनरूफ है, आप देखें काफ़ी अच्छी, मतलब इतनी ओपनिंग है इसकी, आप एक बार यहाँ से देख ले, मैं दिखा देता हूँ, इतनी ओपनिंग है तो काफ़ी अच्छा वाला व्यू इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इजीली बंद हो जाती है, ये शेड तो आप ही को बंद करना पड़ेगा इसका। बाकी ग्रैब हैंडल्स आपको सारे ही देखने के लिए मिलते हैं, मतलब ड्राइवर डोर के सिवा सारे ही डोर्स पे आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो पीछे की सीट्स हैं वो भी अभी मैं चल के आपको दिखा देता हूँ, ये वाली सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ कि मैं जैसे बैठता हूँ वैसा एडजस्ट कर लेता हूँ इस सीट को, फिर बाकी की आपको दिखा दूँगा कि पीछे की कैसे होती है। एक मेजर चेंज जो आपको इस कार में अब देखने के लिए मिलेगा वो है ये डिस्प्ले। पहले आपको 10.25 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता था, अब आपको इसमें 8 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पर अब भी बोस है देखें, तो ये बोस के ही स्पीकर्स इसमें आ रहे हैं, है ना। स्पीकर्स आपके नहीं निकाले हैं कंपनी ने, बोस के ही स्पीकर्स यहाँ पर दे रही है, बोस की ब्रांडिंग दे रही है सारे डोर्स पर, है ना। तो बोस आपको अभी भी देखने के लिए मिल रहा है म्यूजिक में, बट जो एक चेंज हो गया है वो है आपका डिस्प्ले। सिर्फ यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले चेंज कर दिया गया है, वो 10.25 इंच से आपका 8 इंचेस पे आ गया है। तो इसके और क्या चेंज हुआ, ये अब आपको मतलब एस्टा वालों को एक प्रॉब्लम होती थी, अगर उसके लिए कहूँ तो वो सॉल्यूशन हो गया एस्टा के लिए, क्योंकि अब ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको फ़ायदा हो गया। पहले एस्टा में ये फीचर नहीं होता था, यहाँ पर अब एस्टा में ये फीचर आ गया है, ठीक है। अब कटआउट क्या हुआ है, तो कटआउट आपका यहाँ से ब्लू लिंक हो गया है, तो आपको अब एस्टा में ब्लू लिंक देखने को नहीं मिलेगा, वो नहीं है अब एस्टा में, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम इन ब्लू लिंक वाला नहीं है, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट वाला है जो कि एस्टा में अब देखने के लिए मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में जैसे हमारा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट होता था, इसमें भी आपका वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा बट विदाउट ब्लू लिंक। तो ये एक आपको फीचर कटआउट देखने के लिए इसमें मिल जाता है, काफ़ी मेजर फीचर कटआउट अगर मैं कहूँ तो काफ़ी मेजर है, एज जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। एंड जो आर्मरेस्ट है यार मेरी में नहीं होता, ये स्लाइड इसमें होता है, इस समय मेरे पास स्पोर्ट्स है, तो ये एक फीचर और मेरे को अच्छा लगा कि आर्मरेस्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसकी आर्मरेस्ट की पोजीशन काफ़ी सही है, मेरे को तो उसमें भी इशू नहीं आता अगर मैं स्लाइड नहीं होता है तो। तो चलो चलते एक बार पीछे, और पीछे भी देख लेते हैं पीछे आपको कितना स्पेसिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, और पीछे कुछ कट ऑफ कराए या नहीं कराए।
रेयर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको जो डोर है बोस की बैजिंग के साथ स्पीकर्स आ रहे हैं, तो बोस आपको पूरी कार में ही देखने के लिए मिल रहा है। प्लस आपको यहाँ पर ना रेयर में कोई भी एम्बियंट लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है, फ्रंट में ही देखने के लिए मिल रही है। भाई सॉरी, मैंने पहले वीडियो में आगे बता दिया था, बट हाँ इसमें आपको रियर साइड में कोई भी एम्बिएंट लाइट नहीं है, आपके फ्रंट सेक्शन में ही एम्बिएंट लाइट देखने के लिए मिल जाती है। प्लस आपके एसी वेंट्स, नीचे आपका यूएसबी चार्जिंग स्लॉट, फास्ट यूएसबी चार्जिंग स्लॉट, प्लस ग्रैब हैंडल आपको मोबाइल होल्डर स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। सीट के पीछे भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ये जो सीट है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तब भी आप देखें कितना ज़्यादा नी रूम बच रहा है। तो नी रूम तो आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाता है, बाकी जो पोजीशनिंग एंड जो स्लांट है सीट का, रिक्लाइन एंगल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रिक्लाइन भी, तो आप इजीली आराम से बैठ सकते हैं। एंड जो हेडरेस्ट है वो इसमें भी आपको फिक्स्ड ही मिल रहे हैं एस्टा वेरियंट में। यार एस्टा में तो पहले तो आते थे शायद जब इनिशियली लॉन्च हुई थी, मेरे को याद नहीं अभी इनिशियल लॉन्च तो, क्योंकि 2020 में हुआ था तो शायद उस टाइम आते थे ये एडजस्टेबल, बट अभी अभी फिक्स्ड ही आ रहे हैं। बट काफ़ी सही है यार, मतलब मेरी कार में इतने उभरे हुए नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सही प्रोवाइड करे गए हैं। बाकी आपको आइसोफिक्स सीट्स वगैरह तो इसमें सब देखने को मिल ही रही हैं, तो वो भी एक बेटर सेफ्टी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पर आपको यही सारे फीचर्स थे जो आपके आ रहे हैं इसमें अब, एंड थोड़े बहुत कट ऑफ कर दिए हैं, थोड़े बहुत नए ऐड कर दिए हैं। तो मैं अगर कहूँ कि 8 इंचेस का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा मोर देन इनफ होता है, प्लस आपको अगर वायरलेस एप्पल ऑटो एंड सॉरी एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो देखने के लिए मिल जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ आपको ब्लू लिंक से काफ़ी अच्छे फीचर्स और देखने के लिए मिल जाते हैं, बट ठीक है अब जो है वो काफ़ी सही पैकेज के साथ कार आ रही है। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।